रविंद्र जी, बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की तो देखें कि ग्वार सीड में 5% का लोवर सर्किट लग चुका है और ग्वार गम के अंदर 2.5% का। रविंद्र जी, अब आपको यहाँ से क्या लगता है, क्या यहाँ से ग्वार के प्राइसेस थोड़े अपवर्ड जाने की थोड़ी और गुंजाइश है या फिर यहाँ से अब लगातार लोअर सर्किट ही लगते हुए नजर आएंगे? देखिए, ग्वार का डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट डिमांड जो है ये काफ़ी अच्छा है, ये प्रॉफिट बुकिंग के ज़्यादा मेरे को लग रहा है कि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है हमें अभी ग्वार में। अभी अगेन इसमें रिवाइवल देखने को मिल सकता है, अभी चांसेस ये चार्ट पैटर्न भी जो है ये भी यही इंडिकेट कर रहे हैं कि अगेन इसमें बाइंग देखने को मिल सकती है। ग्वार सीड की बात करें तो 6200 के आसपास का सपोर्ट है, वहीं गम की बात करें तो 10200 के आसपास का सपोर्ट है, तो गम में ज़रूर यहां से हम सेलिंग देख सकते हैं करीब 200-250 पॉइंट की, और ग्वार सीड में भी करीब करीब 100 पॉइंट की गिरावट यहां से देखने को मिल सकती है। लेकिन ओवरऑल देखें तो बाइंग साइड में ही ये कमोडिटी रहनी चाहिए अभी फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि जो डिमांड है उसमें गिरावट नहीं देखी जा रही है और प्राइसेस ऑलरेडी 8 ईयर्स हाई पे थे, इसी वजह से हमने देखा कि यहाँ से सेलिंग बनती हुई दिख रही है और उसी वजह से हमने देखा कि आज प्राइसेस जो हैं वो लोअर सर्किट पे हैं। लेकिन ग्वार गम की बात करें तो वो लोअर सर्किट पे नहीं है, ग्वार सीड जरूर है इस समय लोअर सर्किट पे और यहाँ से ज्यादा चांसेस ये लग रहे हैं कि अपर साइड में रिवाइव करेगी जी।